लगातार हो रही बारिश से बीला नदी उफान पर, सैकड़ों एकड़ की फसल हुई प्रभावित, किसान परेशान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते रोज से हो रही बारिश से किसान बेहाल है। जिले के कई इलाकों में किसानों की फसलों में भारी नुकसान है। तस्वीरें छतरपुर जिले की बड़ा मलेरा अनुविभाग अंतर्गत आने वाले दलीपुर टपरियन की है, जहां लगातार हो रही बारिश से बीला नदी उफान पर आने से बड़ी संख्या में किसानों के खेत डूब चुके हैं और फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने बताया है कि सोयाबीन, उड़द, तिली और अन्य फसलें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, हमारे यहाँ, मैं लोकमान यादव हूँ, ग्राम दलीपो का रहने वाला हूँ, तहसील घुआरा है। हमारे यहाँ दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए जब बीला नदी निकली है हमारे यहाँ, तो उसने बीला नदी में जब बाढ़ के कारण हमारे यहाँ की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। आप भी देख लेगा कितनी बाढ़ आ चुकी है हमारे यहाँ पर। बारिश कितने दिन से हो रही है? बारिश दो दिन से हो रही है हमारे यहाँ लगातार, अभी भी लगातार हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को मुआवजा मिल सके। हमारा सोयाबीन, उड़दा और तिली ये सब बहा चुका है, हजारों के एकड़ में नुकसान हो चुका है हमारा। कितना नुकसान हुआ है? अरे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है साहब, पूरी फसल चली गई हमारे यहाँ की। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।